सहारनपुर मुजफ्फरनगर विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। सहारनपुर से बीजेपी और सपा में मानी जा रही टक्कर का आज फैसला हो गया। इसमें एक तरफा भाजपा की वंदना वर्मा ने 3,846 मत प्राप्त कर प्रचंड जीत हासिल की, वहीं समाजवादी पार्टी के आरिफ जौला को 842 मत ही मिले। आज की जीत हमारे संगठन की, हमारे मोदी योगी जी की, और जो हमारे संगठन में एक संगठनात्मक शक्ति है, जो नीचे तक रूट लेवल तक हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग अंत्योदय की भावना के साथ काम करते हैं, उसी का ये परिणाम है आज की जीत। देखिए, जो जीत का अंतर है वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं है, ये सत्ता का सहयोग है। ये मैं नहीं कह सकती कि ये दुरुपयोग है। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ मारपीट होती है। ये सत्ता का सहयोग है कि हमारे उसमें न तो प्रशासनिक दृष्टि से कोई खराबी हुई, न और कोई दंगा फसाद बीच में कुछ भी नहीं हुआ, आपसी सौहार्द के साथ ये विजय हुई है। सहारनपुर की थाना सरसावा पुलिस द्वारा जंगल में किसानों की ट्यूबवेलों से मोटर व स्टार्टर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस मुठभेड़ के बाद 7 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई मोटरें, 7 किलो तांबा, स्टार्टर, चोरी करने के उपकरण, मोटरसाइकिल व अवैध असलाह, कारतूस आदि भी बरामद किया गया। सहारनपुर जनपद में यूपी बोर्ड की परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों पर कुछ अराजक तत्व द्वारा हमला किया गया। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना गंगोह क्षेत्र के गांव महंगी में परीक्षा केंद्र पर 10वीं की गणित की परीक्षा देकर घर लौट रहे कुछ छात्रों के ऊपर मुंह पर कपड़ा लपेट कर आए कुछ अराजक तत्वों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद घायल छात्रों को CHC में भर्ती कराया गया और प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। घटना की सैनी समाज ने कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मामला आज ये हमारे समाज के सैनी समाज के बच्चे थे, तो आज हाई स्कूल का 10वीं का पेपर मैथ का पेपर था, बच्चों का लास्ट पेपर था, तो उनके साथ में पीछे से अज्ञात लड़के थे जिनमें से एक की पहचान कर ली गई है, जाट समुदाय का लड़का है, और जिसने इन बच्चों के साथ में ये वारदात करी है, और उनके हाथ में जैसे रोड होती है, सरिया होता है, तो उससे बच्चों के साथ में मार पिटाई करी गई, जो कि बहुत ही निंदनीय और बहुत ही गलत तरीके से बच्चों के साथ में मार पिटाई करी गई। ऐसा ना होना चाहिए, सैनी समाज के साथ में ये अन्याय हो रहा है, और पुलिस प्रशासन से भी हम मांग करना चाहते हैं कि उनकी जांच करें इस केस की, और इसमें जो भी इन्वॉल्व हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, जो भी असामाजिक तत्व इसमें इन्वॉल्व है, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, मैं यही कहना चाहता हूँ। पंजाबी महासंगठन द्वारा लिंक रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में वैशाखी की शाम पंजाबियों के नाम एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद कार्यक्रम में पंजाब से आए हुए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। गुप्ता हुए, चाहे वो पंजाबी क्षत्रिय हुए, चाहे सहारनपुर के घंटाघर स्थित हनुमान मंदिर के पास श्री साई परिवार समिति द्वारा प्रत्येक महीने गरीबों के लिए खाने का आयोजन किया जाता है, जिसमें आज गरीब असहाय लोगों को कड़ी चावल का वितरण किया गया। एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष रश्मि टेरेंस भी आज वहां पर पहुंची और संस्था द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की। सबसे पहले श्री साई परिवार समिति, सौरभ बाबर जी और उनकी समस्त टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे और मेरी टीम से मिस्टर शुभम शर्मा जी यहाँ पर आए हुए, हमें यहाँ पर आमंत्रित किया और ये मौका दिया कि इस भीड़ को हम भी देख पाएँ और कितने ज़रूरतमंद लोग हर जगह पर हैं ये हम समझ पाएँ, ताकि जो काम हम भी जहाँ कर रहे हैं उसको और ज़्यादा हम कर पाएँ। तो मैं यहाँ के आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर ऐसे काम से जुड़ी रहूँ और करती रहूँ जहाँ पर ज़रूरतमंद लोग ऐसे हैं और जागरूक लोग आपकी टीम जैसे हैं जो कि यहाँ जागरूकता से काम कर रहे हैं, और इनका मैसेज पूरे जहाँ पर फैलाना भी चाहेंगे ताकि और लोग जुड़े, साथ आएँ और काम करके ऐसे ही गरीबों को खाना खिलाएँ और अपना कर्तव्य निभाएँ।